न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में डेब्यू करने जा रहा है क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर। पाकिस्तान टीम में रातों रात शामिल हुआ हार्दिक पांड्या और शादाब खान से भी खतरनाक युवा ऑलराउंडर। जी हां दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपने घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल अपने घरेलू सरजमी पर इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ रही थी, जहां पर टीम का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा था। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से मिली उन कड़वी यादों को भुलाकर एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहेगी। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कुल 2 टेस्ट मैच और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। पहले दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मुकाबला सोमवार 26 दिसंबर से खेला जाएगा, जबकि सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला मंगलवार 3 जनवरी से खेला जाना है। आपको बता दें कि इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड में एक खतरनाक ऑलराउंडर की एंट्री होने जा रही है। ये खिलाड़ी पलक झपकते ही मैच का रुख बदल देता है। कहा जाता है कि ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और शादाब खान से भी खतरनाक ऑलराउंडर है। दोस्तों, हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कमरान गुलाम है। कमरान गुलाम का हालिया प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया है, जिसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि कमरान गुलाम काफी कम उम्र के खिलाड़ी हैं और वो इस छोटी सी उम्र में अब पाकिस्तान की टीम की ओर से डेब्यू करने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमी पर कमरान गुलाम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।